सो हे गाइस, दिस इज देवांश गांधी और यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी कि जोसा काउंसलिंग 2020 के बारे में। सो यार पहले तो सॉरी बिकॉज मैं काफ़ी दिन से यार वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज थोड़ा सा मतलब मैं बिजी था और प्लस मुझे काफ़ी सारे DMs आ रहे थे कि भैया यार जोसा काउंसलिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाओ प्लस थोड़ा सा हमें कॉलेजेस के बारे में बताओ, हमें कन्फ्यूजन है कि मैं ये कॉलेज में पहले भरूँ या इसे बाद में भरूँ, मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो यार इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे प्लस यार मॉक सीट एलोकेशन 1 का जो मतलब मॉक राउंड होता है यार उसका रिजल्ट भी जो है कल आ चुका है, कल 10 बजे डिक्लेयर कर दिया था जोसा ने और राउंड 2 का मॉक राउंड 2 का रिजल्ट जो है वो कल आने वाला है। तो इस बीच यार बात कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और मतलब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है, प्लस यार लास्ट में एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट होने वाला है वीडियो के, तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो टू द वीडियो। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं व्हाट इज मॉक सीट एलोकेशन राउंड। बेसिकली मॉक सीट एलोकेशन राउंड होता क्या है, हमने तो भैया सिर्फ जोसा काउंसलिंग के बारे में सुना है, ये मॉक क्या, मॉक मतलब यार आपने मॉक शब्द का आपने पहले भी यार बहुत जगह सुना होगा, मॉक टेस्ट होता था, मॉक मतलब मॉक जेई मेन्स आपने दिया होगा कोचिंग वगैरह में। प्लस यार एक तरीके से अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यार वर्ल्ड कप से पहले जैसे प्रैक्टिस मैचेस वगैरह नहीं खेलते टीम्स वगैरह, तो उस लिए बिकॉज यार जोसा काउंसलिंग ना देखो एक ही बार होगी प्लस इसमें जो है चॉइस फिलिंग जो है आपको एक ही बार करके रखनी है, उसके बाद ही जो 6 राउंड होने और प्लस मतलब 6 राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है वो इसी चॉइस फिलिंग के ऊपर होने वाली है। दोबारा आपको इसमें मौका नहीं मिलने वाला कि आप जो है इन प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह को एडिट करो जो भी आपने ये चीजें भरी होंगी। दैट्स वाई मॉक सीट एलोकेशन गिव्स यू अ रफ आइडिया कि आप एक्चुअली जो चॉइसेस भर रहे हो उसके बेसिस पे आपको फाइनली क्या अलॉट हो जाएगा, बिकॉज काफी कबार क्या होता है कि बच्चे जो है थोड़ा काउंसलिंग को हल्के में लेते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते और मतलब उनकी एक अच्छी रैंक होते हुए भी वो एक मतलब कॉलेज वगैरह में थोड़ी सी कहते हैं ना गलती कर देते हैं कॉलेज या ब्रांच पर्टिकुलर लेने में, तो वो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस बड़े पूरे प्रोसेस को एक उसका ओवरव्यू देने के लिए जोसा ऑर्गेनाइजेस अ मॉक सीट एलोकेशन राउंड, जिससे आप देख कर उसके रिजल्ट को समझ कर अपनी चॉइस फिलिंग को और इम्प्रूव कर सको, उसके अंदर कुछ चेंजेस अगर आप चाहो तो वो भी कर सको। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यार बात करते हैं मॉक सीट राउंड का जो रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर हो गया था 10 बजे और इसमें अगर मैं पहले मॉक सीट राउंड 1 के बारे में अगर बात करूं तो यार अगर मैं पिछले साल के एक्सपीरियंस से बात करूं तो राउंड 1 जो होता है ना मॉक सीट एलोकेशन राउंड 1 ये थोड़ा सा आपके लिए आपके फेवर में आएगा, मतलब 99% बच्चों के लिए फेवर में आएगा अनलेस एंड अनटिल आप कुछ बेवकूफी से चॉइस वगैरह नहीं भरते। तो ये फेवर में इसलिए आएगा बिकॉज मॉक सीट राउंड 1 तक ना बहुत कम बच्चे हैं जो चॉइस फिल करके रखते हैं, वही लास्ट मोमेंट की वेट ही करते हैं बच्चे मैक्सिमम, तो काफी कम बच्चे जो है आइडियल प्रेफरेंस ऑर्डर को इससे पहले सिलेक्ट करके रखते हैं। तो मॉक सीट राउंड 1 में क्या होगा, आपको जो आप चाहते हो ना काफी टाइप की मतलब वो एक कुछ मतलब वैसे नहीं कहूंगा मैं, जो प्रेफरेंस ऑर्डर में जो आपके कुछ ऊपर वाली चीजें होंगी वो आपको मिलती भी दिख रही होंगी, लेकिन ये सिर्फ एक मॉक सीट राउंड 1 है। इसका जोसा के मेन राउंड जो 1, 2, 3, 5, 6 होने वाले हैं 4, 5, 6 उनसे कोई इसका लेना देना नहीं है। तो मॉक सीट राउंड के रिजल्ट से आप मतलब खुश ज्यादा मत होना, लेकिन ये है कि आप इससे कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स भी ले सकते हो और वो ये है कि काफी कबार क्या होता है यार मतलब आप ये सोचते हो कि ये पर्टिकुलर ब्रांच मैंने डाल दिया ये मुझे मिलने की तो है नहीं, लेकिन अगर मॉक सीट राउंड में आप देखो अगर बाय चांस वो मिल जाती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, बिकॉज एक बार अगर आपने चॉइस जो है चॉइसेस लॉक कर दी दोबारा जोसा में आपको मौका नहीं मिलेगा उस चॉइस ऑर्डर को एडिट करने का। तो सपोज आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच मिल जाती है और उसके नीचे की अगर आप चाहते हो बाद में सोच रहे हो कि नहीं यार ये मिलनी चाहिए थी तो वो आपको बिल्कुल जोसा के राउंड में तो एटलीस्ट नहीं मिलने वाली, और CSAB की अगर बात करें तो वो बाद में कभी करेंगे बिकॉज वो यार काफी गैम्बल वाला मतलब राउंड है, उसके अंदर कुछ प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते बिकॉज इट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी वेकेंट है फॉर CSAB राउंड। तो बस राउंड 1 के अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है चॉइस फिलिंग तो उसे ठीक कर लो ताकि राउंड 2 जैसे कि अगली में हम बात करेंगे अगली स्लाइड पे जैसे ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक सीट राउंड 2 की अगर हम बात करें तो ताकि अगले राउंड मॉक सीट राउंड 2 को आप बिल्कुल आइडियली मतलब खेल सको, मैं कहूंगा खेलने वाली उसमें मैं कहूंगा आइडियली खेल सको बिल्कुल जैसे आप जोसा को मतलब जोसा का जो मेन राउंड 1 होने वाला है उसके लिए आप
सीट फिल कर रहे हो, तो राउंड टू आपके लिए बिल्कुल आइडियल होने वाला है। जो भी आपको सीट मिले, मतलब एटलीस्ट यू शुड बी सेटिस्फाइड विद योर प्रेफरेंस ऑर्डर। बात करते हैं टेक द काउंसलिंग वेरी सीरियसली। बिल्कुल यार, एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि काउंसलिंग को बहुत सीरियसली लो। इट डजेंट मैटर कि आपकी रैंक क्या है, स्पेशली यार जो मतलब एक मीडियोकर रैंक्स वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे मतलब 10,000 से 50,000 वाली बीच में रैंक, मैं लाख तक भी कह दूंगा, इसके बीच के जो बच्चे हैं मतलब 15,000 से 1,00,000 तक की रैंक, आपको यार काउंसलिंग बहुत अच्छे से अटेंड करनी पड़ेगी, हर चीज पे नजर मारनी पड़ेगी। कोई पर्टिकुलर टर्म्स नहीं समझ में आती है तो मेरे से पूछो, कमेंट सेक्शन में डीएम करके पूछो, नहीं तो यार जोसा का जो ब्रोशर है, पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, उसे अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर हर टर्म को क्लियरली मतलब है दे रखा है। और बाकी काउंसलिंग के अंदर हर टर्म का ध्यान दो, अपनी कॉलेज वाइज सब चीज के बारे में आप बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए, बिकॉज एक बार जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो उसके बाद भाई आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सो इसी के साथ यार वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को एंड करने से पहले यार एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो ये है कि यार मैं जो है इस बार फुली फ्री एक मेंटोरशिप करने वाला हूँ, एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है। वैसे तो यार मेरे पे मतलब ये कोई एक बहुत बड़ी चीज होने नहीं वाली है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, मतलब इन द सेंस मैं सिर्फ इतना बताने चाह रहा हूँ कि आप मेरे से यार कोई भी काउंसलिंग, कॉलेज से रिलेटेड जो भी मेरी यार अब तक मैंने नॉलेज गैदर करी है बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, जो मैंने 2019 में जब मैंने खुद यार ये काउंसलिंग अटेंड करी थी, तो जैसे मतलब होता है कि यार राउंड वन में नहीं आ रहा है, फिर राउंड टू में, ऐसे ऐसे जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ, प्लस कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यार जो जो कॉलेजेस को मैं जितना अच्छे से जानता हूँ, और ब्रांचेस वाइज मतलब उसमें क्या पढ़ाया जाता है, अगर आप ब्रांच वाइज कॉलेज वगैरह ये सब पूछो तो वो सब मैं यार आपको डेफिनेटली जितना मुझे आता होगा उससे ज्यादा ही बताने की कोशिश करूंगा। और ये यार फुली फ्री मेंटोरशिप होने वाली है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, और बेसिकली कुछ नहीं करना आपको। बेस्ट तो यही है कि आप यार अपने डाउट्स वगैरह जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। कमेंट सेक्शन में यार पूछने से ये फायदा होता है कि मतलब आपको कोई कोर्स या पर्टिकुलर कॉलेज में कोई कंफ्यूजन है उसके प्रेफरेंस ऑर्डर में, तो उसमें ये होता है कि बाकी बच्चे भी आपका डाउट देख के अपने से रिलेट कर सकते हैं। प्लस अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, तो हो सकता है कि उस एरिया का कोई मतलब नियर बाय दैट एरिया कोई बच्चा हो जो उसके बारे में आपको अच्छे से बता सके, तो उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है यार कि आपको कोई थोड़ा सा पर्सनल डाउट पूछना है, तो फील फ्री टू डीएम मी ऑन माई इंस्टा हैंडल @_देवांश गांधी। तो इसी के साथ यार वीडियो को एंड करते हैं, और 15th को जो है यार आपकी चॉइसेस जो है फाइनली लॉक हो जाएंगी, मतलब 15th को शायद शाम 5 बजे तक, और उससे पहले ही आप अपना लॉक कर देना यार फाइनल, तो आई थिंक तब तक मोस्ट स्टूडेंट्स की हो ही जाती है। तो इसी के साथ यार मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जोसा काउंसलिंग, लव यू ऑल।